उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज हरियाली तीज के मौके पर एक दिवसीय दौरे पर मथुरा आए, जहां उन्होंने पहले बाकी बिहारी मंदिर में स्वर्ण रजत से निर्मित हिंडौल में बैठे बाकी बिहारी लाल के झूलन उत्सव में भाग लिया और फिर बिहारी जी के दर्शन कर कामना की। वहीं मंदिर के सेवाद गोस्वामियों द्वारा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कराई। वहीं पे उन्होंने भगवान का प्रसाद रूपी फूल माला व दुपट्टा भेंट किया, जिसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मैं आज बिहारी जी के दरबार में अपनी हाजिर लगाने आया हूं और यही कामना करता हूं कि उनकी कृपा हमेशा बनी रहे। इसके बाद वह यहां मथुरा के गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ विकास कार्य की समीक्षा बैठक में भाग लेंगे, जिसके तत्पश्चात रमण रेती स्थित कृष्णी गुरु आश्रम में साधु संतों से मुलाकात कर आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। प्रभु के चरणों में, माता रानी के चरणों में बारंबार प्रार्थना करके जा रहा हूं कि हमारे प्रदेश का, हमारे देश का, हमारे प्रदेशवासियों का, देशवासियों का राज्य का कल्याण करें। हमारे जो भी परिजन चिंतक साथी हैं, सब पर प्रभु अपनी कृपा बनाए रखें। और हरियाली बीच के अवसर पर मैं प्रथम बार दर्शन पाया हूँ और यहाँ दर्शन करके मन बहुत हर्षित है, बहुत उन्नतित है। और आप सब पूछ रहे हैं इसलिए कि मैं, मुझे बताने का भी मौका मिल रहा है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।